ध्यान बिल्कुल मेरे ही तरफ है। ये भाई साहब, एक सेकंड, वापस आ भाई साहब, भाई नहीं, ये एक सेकंड भाई, ये क्या लोग कर रहे हैं भाई साहब, ये मार देगा ओके, नहीं वापस आ, एक बार ना मुझे रिस्क लेकर के इसके मुंह पे जाकर के पैर स्पेयर फेंकना ही पड़ेगा, फेंका मैंने, आ जा 4%। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पैरवेल की धमाकेदार एपिसोड में। तो गाइस यार, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने यार कुछ बेसिक से पैल पकड़े, पर साथ ही यार हम लोगों ने पकड़ा था कुछ लेजेंडरी पास, जिसकी मदद से यार इस वाले एपिसोड में हम करने वाले कुछ अतरंगी सी चीजें, जैसे कि यार आज हम लोग पकड़ेंगे किंग पैका को, और जिसका लेवल यार भाई साहब होने वाला है 23। और यार जब हम लोग ना 9 लेवल से ऊपर वाले पोकेमॉन को पकड़ते हैं ना, तो उसके लिए यार हमें जरूरत पड़ती है मेगा स्पेयर या फिर गीगा स्पेयर से, पर आज मैं उसको पकड़ने वाला हूँ पैल स्पेयर के साथ, जिसके मदद से यार हम लोग सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे यार पोकेमॉन पकड़ सकते हैं, पर आज मैं उसी पैल स्पेयर के साथ पकड़ने वाली हूँ किंग पैका को। तो वो जानने के लिए यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहो, लेट्स गो। ओके, तो आ गए हम लोग अपने गेम की तरफ, पर एक सेकंड, ये गेम में आते के साथ ये कैसे साउंड आ रही है। ओके, तो हमारे यार यहाँ पे बेस पे पड़ चुकी है रेड, पर यार देखते हैं कि रेड किन लोगों ने मारा है भाई। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई, ओके यार ये तो कुछ भेड़िया की तरह मुझे लग रहा है, हाँ ये भेड़िया ही है। और यार यहाँ पे अपने इस वाले पैल को देखे यार, जो कि यार अपना रसोर है, इसने यार यहाँ पे अटैक स्टार्ट कर दिया है, और मैंने भी यार यहाँ पे अपने नाइट विंग को छोड़ दिया है, अपने सारे पैल मिलकर के इनका बैट बजा देंगे। और ये देखो यार, अपने जितने भी छोटे मोटे पोकेमोन है ना, वो सब लोग यार इसको मारने लगे, पर यार ये थोड़ा मतलब बड़ा क्यूट सा लग रहा है यार। चलो यार मैं एक काम करती हूँ, इसको ना पकड़ने की कोशिश करती हूँ, पर यार ये सारे लोग तो यहाँ से भागने लग गए। भाई ये लोग देखो यार मारपीट करके अपने अपने काम में लग चुके हैं। बाकी चलो यार मैं भी कोशिश करती हूँ ना इसको पकड़ने के लिए, क्या हम लोग इसे पकड़ पाएंगे। खैर छोड़ो यार, ये तो यहाँ से निकल चुका है। बाकी मैं ना यहाँ पे एक बार, एक सेकंड यार, ये क्या कर रहा है भाई, छुटकू हाथी क्या कर रहा है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है ये ना बंदा यहाँ पे घर में यार फंस चुका है। चलो यार इसे उठा करके लेकर चलते हैं, और देखते हैं यार कि ये बंदा कुछ तो काम करेगा यार। यहाँ खेतों में चल पानी दे। ओके, अभी पानी का वक्त नहीं हुआ है। और यार ये देखो यार टेंजी, ये भी यार हम लोगों ने ना, मतलब ये छोटे मोटे बंदर थे, पर यार हम लोगों ने वहाँ पे उसमें से एक बड़ा वाला जो है ना बंदर पकड़ा था, जो कि यार उन सब का बॉस था। बाकी चलो यार यहाँ पे ये देखो यार, इसको कितना बुरी तरीके से मार पीट करके लिटा दिया है। बाकी एक जगह यार मैंने पहले अपना हेल्थ यहाँ पे पूरा करूँ, क्योंकि यार क्या पता ये लोग मेरे पे अटैक करने लग जाए। चलो यार एक बार आगे चल करके हम देखते हैं वो। ओके, ये देखो यार तो यहाँ पे, इसको अपने पकड़ूंगी भाई, एक पल्स पर मैंने वेस्ट कर दिया, पर यार इसको पकड़ सकती हूँ क्या मैं। 28% भाई, हो जा 50 भाई, छूट गया इसकी। एक सेकंड यार नहीं, मेरे पास तो पैलेस पेयर ही नहीं है। शिट यार, मुझे इसे पकड़ना था। चलो कोई नहीं यार, इसे हम बाद में पकड़ लेंगे। ये देखो यार कितना तेजी से ये भाग रहा है यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास कोई भी पैल स्पेयर नहीं था। बाकी चलो कोई नहीं यार, एक बार ना अपने बेस पे चलते हैं और देखते हैं यार कि थोड़ा बहुत ना पैल स्पेयर हमें बनाना पड़ेगा। बाकी यार ये देखो अपने जो प्यारे प्यारे से पोकेमॉन्स है, वो यहाँ पर कितना प्यार तरीके से काम कर रहे। चलो यार मैं भी थोड़ा इनका हेल्प कर दूँ। बाकी यार ये लोग यहाँ पे घर क्या रहे हैं। ओके, ये लोग प्लांटिंग कर रहे हैं। ये जो बंदर है ना यार, ये बड़ा काम का है। देखो कितने प्यार से यार, अब मतलब यार कि अपना जो बेरीज का प्लांटेशन है ना वो कर रहा है। पर ये हिरन भाई, इसको दिन में ही नींद आ रही है भाई। सारे पास तो रात में सोते हैं, और इसको देखो यार ये तो दिन में ही सो गया। चलो कोई नहीं यार, अभी नहीं यार हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और हम लोग आज पकड़ने वाले एक बहुत बड़े किंग को, जिसका नाम है किंग पैका। बाकी गाइस यार ये देखो, अपने पास इतने सारे पोकेमॉन्स है, जैसे कि नाइट विंग, पेन किंग, जिसको यार हम लोगों ने मतलब अभी जितने भी मेरे पार्टी वाले सेक्शन में है ना, वो सारे के सारे अपने लेजेंडरी पाल्स हैं, जिसके मदद से यार आज हम लोग पकड़ने वाले हैं किंग पैका को। बाकी यार मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आप लोगों ने इसको देखा नहीं होगा, क्योंकि यार इसको जब मैंने पकड़ा था ना, तब यार मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। बाकी यार उस वक्त मैं ऐसे ही खेल रही थी, और यार ये मुझसे पकड़ा गया। बाकी यार ये जो किंग पैका है ना, मतलब आई मीन ये पेन किंग जो है, ये जो अपना पेंगलेट होता है, उन सब का बॉस है, और पूरे 15 लेवल का है। तो यार अभी यहाँ पे मेरा लेवल तो बहुत कम है, पर यार यहाँ पे मैंने ना अपने लेवल से ऊंचे वाले बहुत सारे पैल्स पकड़ रखे हैं,
तो आई होप कि यार ये लोग हमें ना काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। बाकी चलो यार यहाँ पे ये देखो जितने भी अपने ग्रीन वाले पोकेमोन है ना वो सारे के सारे यार यहाँ पे खेती वगैरह करने में काम आते हैं। बाकी चलो कोई नहीं यार, ये देखो यार ये अपना चिलेट है जिसको यार मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ा था भाई। लिटरली मैं क्या बताऊँ, मैं उस वक्त थोड़ा सा अफसोस कर रही कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग जो थी थोड़ी सी मेरी करप्ट हो गई, मैं आपको दिखा नहीं पाई। पर यार बहुत ही मतलब ऐसे यार क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल से मैंने इसको पकड़ा था। बाकी चलो कोई नहीं यार, फटाफट से हम लोग ना यहाँ से निकलते हैं और जा कर के अपने किंग पैका को पकड़ते हैं। और यार मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे पैल स्पेयर बना लिए हैं, पर एक सेकेंड यार ये क्या है, इसको पकड़ूँ क्या भाई? ये भी मुझे 10 लेवल की, भाई कितने लेवल की है? ओके यार इसको भी पकड़ते हैं, ये पूरे 11 लेवल की है। इसको भी ना हम लोग पकड़ सकते हैं क्या? चलो यार अपने पास भी अच्छे अच्छे पैल्स हैं, तो ना मैं ना एक बार 10 GB यार इसके ऊपर छोड़ करके देखती हूँ, क्योंकि यार अपना 10 GB यार इसके ही लेवल का है, तो आई थिंक यार इसको संभाल लेगा। और यार अब से हम लोग ना कोई भी फाइट नहीं करने वाले, क्योंकि यार अपने इतने प्यारे प्यारे पैल्स हैं यार, अभी भी हमें ही फाइट करना पड़े तो क्या ही मतलब इनको पकड़ने का। बाकी यार ये इसको मारने लगा, चलो कोई नहीं यार मैंने यहाँ पे नाइटविंग को छोड़ दिया, अभी देखो यार कैसे उड़ उड़ के इसका बैंड बजाएगी। ओ भाई साहब, ओके भाई जब ये नाइटविंग मारती है ना तो ये मार देती है पैल्स की आग, मुझे इसे पकड़ना था और यार इसने यहाँ पे इसको मार ही दिया। भाई यार मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती करी है, मुझे ना कोई छोटे मोटे पोकेमोन भी अपने पार्टी वाले सेक्शन में यानी कि यार अपने साथ ना लेकर के आना था, क्योंकि ये सारे लोग तो यार मार ही दे रहे हैं। बाकी चलो कोई नहीं, अभी ना हम लोग फिर ये छोटे मोटे जो पोकेमोन है ना इनको अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि यार इनका लेवल बहुत कम है और अपने पास जो है ना उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको मार ही डालेंगे। बाकी यार हम लोग यहाँ पे पता नहीं यार किस गांव में आ चुके हैं, और एक बार मैप में देखते हैं यार कि ओके देखो किंग पैका यार यहाँ पे है, हमें ना इसको यहाँ पे चल करके पकड़ना पड़ेगा। बाकी यार अभी हम लोग ना उस वाले जगह पे पहुँच चुके हैं, और यार मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्लान करके आई हूँ कि रात में चलेंगे, और उसके बाद क्योंकि रात में ना अपने पोकेमोन सोते हैं तो शायद यार थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिल जाए। बाकी यार यहाँ पे अपना जो नाइट विंग है ना बिना मतलब के पंगे ले रहा है भाई, इसको ना भाई क्या ही बताऊँ। अभी हम लोग यार यहाँ पे इतने बड़े वाले काम करने जा रहे हैं, ये अभी भी यार छोटे मोटे पोकेमोन को ही पकड़ने में लगा है। तू भाई चल अंदर आ। अभी ना हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किंग पैका कहाँ है। यार हम लोग लोकेशन के हिसाब से तो बिल्कुल सही आए हैं। ओके मुझे सामने वो किंग पैका दिख गया, और भाई साहब 23 लेवल का, इसका यार हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी देखो यार हम लोग यहाँ पे पकड़ पाते हैं नहीं, बाकी यार मैं यहाँ पे पूरा कोशिश करूँगी इसे पकड़ने का। चलो यार मैं ना मैदान में उतर गई हूँ, और मैंने भाई यहाँ पे अपने पैनकिंग भाई को छोड़ दिया। भाई मार यार, क्या कर रहा है भाई ये? एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा क्लोज जा करके मारना पड़ेगा, ये ना ट्रिगर ही नहीं हो गया ट्रिगर। छुचु तो भागो 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 भाई, इसके चपेटे में मुझे नहीं है। भाई क्या कर रहा है यार ये? अरे चल इसके मुँह पे मार के आऊँगी अब मैं इसको। चलो भाई अब तो मार दे भाई अभी। हाँ ओके, तो भाई साहब यहाँ पे जो अपना फाइट है ना वो स्टार्ट हो चुका है, ये बंदा यार और ट्रिगर हो चुका है। चलो यार अभी हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे यार, जैसे ये उस पर अटैक करने होगा ना मैं यार इसको वापस बुला लूंगी। और एक सेकेंड, ये तो यार मेरे पे अटैक करने लगे, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा कोई सेफ लोकेशन में, क्योंकि एक सेकेंड ओ माय गॉड इसने यार अभी जो आग का गोला फेंका था ना, मैं यहाँ पे नॉकआउट नहीं सीधा मरने वाली थी। बाकी एक सेकेंड भाई, ये तो मेरे को ही मार रहा है। बाय बाय बाय, भागो यहाँ से। मैंने यार यहाँ पे अपना वो जो इसको यार मैंने यहाँ पे फेंका है। बाकी यार चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली खेल रही हूँ यार, जैसे ही मतलब मैं अपने वाले पोकेमोन से इसको अटैक करवाऊंगी, पर जैसे ही ये अटैक करेगा ना मैं उसको वापस से अपने पैल स्पेयर में बुलाने वाली हूँ। बाकी यार यहाँ पे ये देखो यार अपनी अन्या भी इसको मारने की कोशिश कर रही है। और एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, भाई भाई तू जूझ जा भाई। ये देखो यार अब उसने ना नाइट विंग को छोड़ दिया है, और ये देखो यार ये लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे हैं। बाकी मेरा पोकेमोन यानी जो डायनासोर है, एक सेकेंड भाई मैंने सही वक्त पे उसे खींचा, वरना यार ये तो उसको मार ही देता। बाकी यार हम लोग यहाँ पे इतने खतरनाक से पोकेमोन से इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर यार इसका हेल्थ देखो अभी भी यार बिल्कुल 1% मिला है। ओ भाई साहब यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, इसकी भैंस क्या, इसको यार आज तो मैं अपने घर लेकर के जाऊंगी। अभी जितना ये यहाँ पे किंग बन रहा है ना, इसको यार अपने बेस में खेती करवाने वाली हूँ मैं। बाकी चल भाई
अब मैंने यार यहाँ पे अपनी नाइट विंग को छोड़ दिया है, देखते यार ये यहाँ पे क्या कमाल करती है। बाकी यार हमें यहाँ पे अपना जो पूरा फोकस है ना अपने पोकेमोन पे रखना है। जैसे ही इनको भाई यार इसने नाइट विंग को मार दिया, मैं यार वो सही टाइम पे अपने फेल स्पेयर में ना भुला नहीं पाई। बाकी चलो यार मैंने यहाँ पे वापस डायनासोर को भेज दिया, पर यार इसकी हेल्थ ऑलरेडी कम है, मुझे लग रहा है ना इसको मुझे यहाँ से बुलाना चाहिए क्योंकि यार ये ना इसे मार ही देगा। पहले यार यहाँ से निकलो, ये ना मेरे ऊपर फोकस था, एक सेकेंड भाई ये देखो वो क्या यार अपना जो चिलेट है यहाँ पे यार काफी खतरनाक तरीके से मार रहा है इसको। बाकी चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साइड में जा करके वापस से टेंजी को छोड़ूंगी। ओके अभी यार ये जो टेंजी है ना ये भी यार काफी ज्यादा खतरनाक है, पर यार वही बात है ना यहाँ पे जो अपना किंग पैका है इसका लेवल है 23 और अपने पास जितने भी पैल है यानी कि जितने भी पोकेमोन है उन सब का लेवल यार 10 से 15 के बीच में है। बाकी यार एक सेकंड भाई कैसे दिख रहा भाई नहीं 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 यार बाहर तू वापस आ, क्योंकि यार मैं इस साइड पे आ गई, मुझे अपने अपने पोकेमोन पे ध्यान नहीं है इसलिए यार मैंने उसको वापस से बुला लिया। बाकी ये देखो यार ये घूम फिर करके मुझे ही देख रहा है। निकलो यार यहाँ से निकलो 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 भाई मैंने यहाँ पे पीछे भाई ये देखो यार तुरंत ट्रिगर हो जा रहा है। एक सेकंड मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो यार मैंने यहाँ पे वापस से टेंजी को छोड़ दिया है, अभी शायद ये उसको मारेगा। मैं एक काम करती हूँ यहाँ से थोड़ा सा साइड जाती हूँ, अभी इसका ध्यान मेरे पे नहीं है। एक सेकंड यार मैंने टेंजी को यहाँ पे बुला लिया, अभी ये बंदा उसके ऊपर काफी खतरनाक से अटैक करने वाला था। ओके चलो यार अभी भाई देख रहे हो ये जो ऐसे पैर उठाता है ना उसके बाद ये जो धमाका करता है बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है। बाकी चलो मैं यहाँ से एक सेकंड भाई मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं है भाई 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 पर यहाँ से हटो हटो मेरी एचपी यार इसने 60% यहाँ पे खत्म कर दिया, पर यार ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भाई। मुझे लग रहा है मुझे इस खाई में कूदना ही पड़ेगा। ओके मैं आई थिंक यहाँ पे सेफ हूँ अब यार, ये मेरा कुछ भी शिट यार मैं यहाँ पे नॉक हो गई भाई। ये बंदा यार मुझे मार करके ही दम लिया, बाकी अन्य यार मुझे रिवाइव करने की कोशिश करो। नाइट विंग तुम कुछ कर सकते हो क्या भाई, कुछ तो कर दे यार, ये कुछ नहीं कर सकता भाई। अन्य तुम्हें ही आना पड़ेगा यार एक बार नीचे मुझे रिवाइव करने के लिए। बाकी यार अभी मुझे मारने की बात ना, ये देखो यार अन्य के पीछे बहुत ही बुरे तरीके से पड़ चुका है। ओके अन्य यहाँ पे नीचे के साइड में है, मैं शायद यहाँ पे रिवाइव हो सकती हूँ। चलो यार अब तो यार हम लोग यहाँ पे बच गए, अब किंग पैका को देखो यार अभी अभी एक बार रिवाइव होने दो मुझे भाई, चल करके इसको ना बहुत ही खतरनाक मैं मारने वाली हूँ। ओके मैंने यहाँ पे फटाफट से यार अपना हेल्थ थोड़ा सा पूरा करती हूँ और बाकी जो मेरे पोकेमोन है यानी कि सारे अभी जिंदा है, पर बस यार अपना जो नाइट विंग है ना वो मर चुका है। और ये देखो यार ये यहाँ पे बैठा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ध्यान अभी नहीं है। हम लोग यहाँ से ना सीधा ऊपर चले जाते हैं और ऊपर से अटैक करने में आसानी होगी। और मैंने यार अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पे अपने हिरन को छोड़ दिया है और एक बार ना मैं यहाँ से ऊपर चलती हूँ। चलो भाई साहब अब आई थिंक हम लोग पूरी तरीके से सेफ है। और यार यहाँ पे अन्य ने भी अपना डियर छोड़ दिया है, अभी देखो यार मैंने यहाँ पे ऊपर से भी इसको अपने तीर धनुष से डैमेज देने की कोशिश करती हूँ। बाकी यार ये कूद कूद के बहुत ही गंदा मारता भाई भाई, लिटरली यार मेरे को ऐसे दिल पे हार्ट अटैक सा आ गया यार, इसने मेरा हेल्थ यहाँ पे पूरा लो कर दिया है। पर कोई नहीं यार हम लोग यहाँ पे हार नहीं मारने वाले हैं और आज इस किंग पैका को हम पकड़ के ले जाएंगे चाहे कैसे भी। बाकी यार यहाँ पे अपने जो पोकेमोन्स है यानी कि अपने जो पैल्स है ना काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे फंस चुका है क्या भाई। ओके भाई अपने पास ये जो मुर्गा है अन्या के पास ना यार ये बहुत खतरनाक है, ये एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर है, ये वहाँ पे जा करके खुद तो फटेगा और साथ में जो बंदा होगा ना उसको भी मतलब उड़ा देगा। पर यार यहाँ पे किंग पैका की लाइफ जो है ना हेल्थ बहुत ज्यादा है और लेवल बहुत ज्यादा है, तो अभी यहाँ पे हम इतनी आसानी से इसे पकड़ नहीं सकते। पर इसे यार हमें किसी भी हाल में पकड़ना पड़ेगा। इसका देख रहे यार ध्यान बिल्कुल मेरे ही तरफ है, ये भाई साहब जो ये आग का गोला छोड़ रहा है ना बिल्कुल ही जानलेवा है। चलो कोई नहीं यार अभी हम लोग यहाँ पे पकड़ वाले, निकालो निकालो भाई। जैसे ये कूदता है ना बहुत ही खतरनाक डैमेज देता है, तो मुझे यार यहाँ पे अपने जो पोकेमोन है ना उनको बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे खिलवाना पड़ेगा। बाकी चलो मैंने अपने डायनासोर को फिर से छोड़ दिया है क्योंकि यार ये है ना बहुत खतरनाक है, बहुत ही गंदे तरीके से डैमेज देती है। और एक सेकंड यार मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे फंस गया है। एक सेकंड भाई वापस आ। ओके भाई अभी जो इसने जंप लगाया था ना इस जंप में अपना ये वाला पोकेमोन मर सकता था, पर मैंने यार बहुत ही सही टाइम पे उसको वापस बुला लिया। और यार इतने प्यार से कैसे देख रहा है ओ भाई, ले 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 ले
क्या हो गया? वो चोट लग रही है भाई, तुझे अभी मैं बताती हूँ। चलो एक सेकंड भाई, मुझे लगा यार शक्ल से यार इतना मासूम लग रहा था, पर यार इसके पास जाते ही नहीं वापस से ट्रिगर हो जा रहा है। चलो यार मैंने वापस यार यहाँ पे अपने डायनासोर को छोड़ दिया है और मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ और शायद एक सेकंड वापस आ। भाई साहब भाई नहीं, भागो। यार मैंने नीचे आकर गलती की, मुझे ऊपर जाना है भाई, ऊपर ही सेफ थी। चलो यार मैंने अपने डायनासोर को वापस से बुला लिया है और अब बारी है टेंजी की। चल भाई चल टेंजी, अपना कमाल दिखा और मार इसको। पर यार इसका लेवल देख रहे हो, यहाँ से घट ही नहीं रहा है। ये ग्लिच कर गया या क्या कर गया, या फिर अपने जो पोकेमोन यार सही ढंग से इसको डैमेज दे नहीं पा रहे। बाकी चलो कोई नहीं यार, मैं एक सेकंड भाग। नहीं यार गलती से मैं नीचे गिर गया। अब अगर इसका ध्यान मेरे पे गया नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा कैसे भी। यार मैं क्या करूँ यार, मैं यहाँ से भागने वाली थी यार, मैं गलती से ऊपर से गिर गई। अरे यार नहीं, छोड़ दे। अन्य एक बार और बचा लो यार, प्लीज एक बार बचा लो, मुझे इसे पकड़ना है कैसे भी करके। यार इसने बहुत ही बुरा वाला मुझे डैमेज दिया है, मैं यहाँ से नीचे जाती हूँ। ओके अब मैं यहाँ पे नीचे आ गई भाई, अब इसका हिम्मत ही नहीं है। अबे यार इसको पकड़ सकते थे, पर कोई नहीं गाइस, इसे मैं पकड़ूंगी, मतलब पकड़ूंगी वो भी पैन स्पेयर से। भाई अब तो उसने यार, मैं क्या बोलूं यार, मैं उसे पकड़ लेती पर मैं गलती से नीचे गिर गई। चलो कोई नहीं यार, अभी हम लोगों ने ना यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। पर एक सेकेंड यार, यहाँ पे ये क्या है यार, जो लैम्बो वो जो मीट वाली भेड़ है ना छोटे छोटे से, ये लग रहा है उन सबका किंग है। भाई साहब ये तो यार कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा लग रहा है, इसे यार पकड़ना बनता है। चलो यार अभी ना हम लोग इसको मारते हैं, बाकी यार इसका लेवल कम है तो मैं सोच रही यार यहाँ पे ना इसको खुद ही मारूं, क्योंकि यार अगर अभी मैंने अपना कोई पोकेमोन छोड़ा ना तो ये एक सेकंड भाई ये क्या लोग कर रहे हैं। भाई साहब यार ये तो कोई इलेक्ट्रिक पाल है क्या। चलो यार मुझे लग रहा है इसको ना छोड़ना ही पड़ेगा, नाइट विंग को थोड़ा सा ये डैमेज देगी ना, मैं तुरंत इसको खींच करके और इसको ना पकड़ूंगी, क्योंकि यार ये वाला मुझे चाहिए, ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। भाई ये घूम घूम करके इसकी बैस की, ये ले तू बैठ खा, ये ले भाई, इसको फर्क ही नहीं पड़ा एक सेकंड। भाई मुझे मार करके खुद ही यहाँ पे लुढ़क गया। चलो यार मेरे पास मेगा स्पेयर था और मुझे ये पकड़ना था, तो मैंने यार इसको मेगा स्पेयर यहाँ पे वेस्ट कर दिया, क्योंकि यार इसका लेवल कम था, हम लोग इसे पैल स्पेयर से भी पकड़ सकते थे। बाकी चलो कोई नहीं, ये वाला मुझे चाहिए था, देखते यार कि इसका मतलब क्या यूज़ है, कुछ तो काम होगा ना। अच्छा देखते यार कि ये हमारे किस काम आने वाला है। बाकी यार यहाँ पे अन्य भी पता नहीं क्या क्या कर रही है, और ये देखो यार मेमोरी, इससे भैया हम चलेंगे बिल्कुल साइड में, क्योंकि यार इससे ना मैं बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकती। इसका लेवल 38, अभी यार 23 लेवल का किंग पैक यार हमसे पकड़ा नहीं गया, इससे यार क्या ही पकड़ू। बाकी चलो यार ये नाइट विंग भी यार, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, अपने जो भी पैल्स का लेवल बढ़ाना या फिर उनका अटैक बढ़ाना है तो हम लोग ना उसको यार ऐसे फाइट करवाते रहते हैं। बाकी चलो यार यहाँ पे थोड़ा सा अपना हील वगैरह पूरा करते हैं और हम लोग सीधा चलेंगे वहाँ पे अपने किंग पैका को पकड़ने के लिए, क्योंकि यार एक इस बार तो हम लोग पिट गए, अब नहीं पिटने वाले हैं। बाकी चलो एक सेकेंड यार, ये अन्या इस गुफा में क्यों चली गई। अबे यार ये देखो यार, ये पहले इस गुफा में घुस चुकी है, अब मुझे भी जाना ही पड़ेगा वरना यार वो लोग उसे मार देंगे। वैसे यार ये बोल रही है कि इसके अंदर कोई एक बॉस पोकेमोन है। ओके चलो यार अभी जा करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा वो बॉस पोकेमोन है जो अपने काम आने वाला। बाकी यार ये लोग यहाँ पे चोर उचक्के हैं, इनसे मुझे पंगा नहीं लेना। मैं एक सेकंड भाई, इनसे पंगा नहीं लेना चाह रही, ये लोग आके मुझे मार रहे हैं। चल भाई नाइट विंग, अब ये नाइट विंग जो है ना इनको अपना कमाल दिखाएगा, इनको अभी पूरा भाई इसको उड़ उड़ के जो मारने वाला। ये जो नाइट विंग है ना, इसका अटैकिंग पावर यार काफी ज्यादा हो चुका है, और ये देखो यार कैसे यार उसने एक बार में ही सारे ठग को मार दिया है। बाकी यार इस साइड मुझे ना कुछ साउंड सी आ रही है, एक बार ना आगे जा करके देखती, थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है यार, और पेड़। भाई एक सेकेंड, ओल भाई साहब क्रेमेसिस, ये है लेवल 10 की। चलो यार इसको पकड़ना हमारे लिए ना काफी आसान होगा, क्योंकि अपने पास जितने भी वो फाइटिंग पोकेमोन है ना उन सबका लेवल यार 10 से ऊपर है। चल यार नाइट विंग तू अपना कमाल दिखा और यार इसको उड़ उड़ के मार, मुझे ना एक बार क्लोज में जाकर के इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको क्लोज में फेंकते हैं ना तब जाकर के ट्रिगर होते। ओ भाई साहब उड़ा ले गया यार लिटरली, देख रहे हो कितना खतरनाक तरीके से। मुझे यार इसको सही टाइम पे वापस बुलाना पड़ेगा,
नहीं तो यार ये उसको मार करके खत्म कर देगा। मेरा ध्यान यार इसके पूरे लेवल पे है। जैसे इसका लेवल कम होगा ना, मैं फटाक से यार अपने पैल्स को बुला करके और इसको अपने पैल्स पेयर में कैप्चर करने की कोशिश करूंगी। ओके ओके, एक अटैक और, एक एक और मारेगा, मैं सीधा यार इसको बुलाने वाली हूँ। चल लाइट भी फटाफट से यार तू अंदर आ और मैंने इसको पकड़ दी। सेकंड भाई अंदर आ भाई, इसे दोबारा अटैक कर दिया। चलो कोई नहीं यार मैं इसको अब पकड़ती हूँ। ओके 35% 35 35, जल्दी हो जा। ओके अब तो यार ये आनी है। ऑल राइट गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक और बॉस पोकेमोन को पकड़ लिया है और यार यहाँ पे हमारा लेवल भी हो गया है 12। पर एक सेकंड यार, इसके चेले चपाटे मुझे मार रहे हैं। इसको तो यार अपना नाइट विंग ही देख लेगा। चल यार एक बार में खत्म कर दिया। चलो यार यहाँ पे जो अन्य है ना फालतू के पंगे ले रही है, हमारा फोकस तो यार सिर्फ और सिर्फ किंग पेका है, जिसको यार अभी हमें कैसे भी करके पकड़ना है। फिलहाल यार अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये कुछ चमक रहा है यार, क्या इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज है? ये क्या है, रूबी? आई डोंट नो इसका यूज क्या है, पर चलो कोई नहीं है, मैंने अपने बैग में उसे रख लिया है और हम लोग सीधा यहाँ से एग्जिट करते हैं। और फाइनली यार अपने पास कम से कम 6-7 बॉस पोकेमोन तो हो ही चुके हैं। फिलहाल यार यहाँ पे रात हो चुकी है और ये मुर्गा है यार मेरे पास, मैं इनको नहीं पकड़ने वाली, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ना यहाँ से सीधा निकलती हूँ और अपना जो किंग पैक, एक सेकंड भाई मैं इसकी, बे यार मैंने इनको कुछ किया भी नहीं, ये यार आकर के मुझे मारने लगे। भाई अन्य प्लीज यार एक बार रिवाइव कर दे भाई, ये बहुत खतरनाक, देखो कैसी, ये सुसाइड बॉम्बर है भाई, ये इस तरीके से ना अपने आप को ब्लास्ट करके खुद तो मरेंगे और साथ ही साथ आपको भी ले डूबेंगे। और यार ये लोग अन्या के पीछे पड़ चुके हैं, मैंने थोड़ा सा पीछे हटती यार यहाँ से, गलती से भी आकर के अगर मेरे अगल बगल फटा ना तो भाई अपनी मौत तो यहाँ पे पक्की है। बाकी यार अन्या जल्दी से आकर के मुझे बचाओ यार। भाई ये अभी मैं इनसे पंगा तक नहीं ले रही, पर यार ये लोग यहाँ पे ट्रिगर हो गए। चलो कोई नहीं यार, मैंने यहाँ पे रिवाइव हो चुकी हूँ और फटाफट से यार हम लोग निकलते हैं। और ये बंदे भी ट्रिगर है यार। चल यार मुझे नाइट विंग को छोड़ना पड़ेगा, अपना नाइट विंग इनको संभालेगा, हम लोग सीधा निकलते हैं। बाकी यार मुझे ना अपना लेवल यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब अपना लेवल बढ़ जाएगा ना तो हम लोग यार इस नाइट विंग के ऊपर बैठ करके उड़ेंगे और यार इतना जो पैदल चलने वाला सिस्टम है ना ये खत्म हो जाएगा। बाकी चलो यार सामने मुझे अपना पेटी नजर आ रहा है, इसे उठाते हैं। यार हम लोगों ने ना यहाँ का जो वो क्या उसको बोलते हैं फास्ट ट्रेवल, उसे यार अनलॉक नहीं किया था, वरना यार हम लोग कब का यहाँ पे पहुंच चुके होते। पर कोई नहीं यार, देर आए दुरुस्त आए, अपने इस किंग पेका को तो पकड़ना है। और यार हम लोग को दोबारा आने में यहाँ पे रात हो चुकी है, पर कोई नहीं यार, रात में थोड़ा सा एडवांटेज होता है शायद, जब तक ये ट्रिगर ना है, क्योंकि यार अभी सारे पाल्स जो है ना सो रहे हैं तो हम लोग ना थोड़ा सा अटैक करेंगे। भाई मैं जाऊँ कैसे जाऊँ, अभी मेरे को ना ऐसा ना धक-धक सा कर रहा है। चलो कोई नहीं यार, अब पकड़ने का इसे ठाना है तो अंदर घुस करके इसे छोड़ना ही पड़ेगा। चल यार नाइट विंग, भाई ये ट्रिगर नहीं हो रहे यार, इनको ट्रिगर कराने के लिए ना बिल्कुल अंदर जाना पड़ता है। चलो थोड़ा सा और अंदर जाती हूँ, हो जा भाई, अभी भी नहीं हुआ यार, मतलब मैं अंदर जाके मर जाऊँ क्या? ओके यहाँ पे यार अन्या ने अपनी फाइट स्टार्ट कर दी है, बाकी यार मैंने भी यार यहाँ पे अपना नाइट विंग छोड़ दिया है जो कि यार इसको मारने लगा है। बाकी यार इस बार मैं ना इसको बिल्कुल भी छेड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यार पिछले बार मैंने इसको एक तीर धनुष मार दिया था ना, उसके बाद से यार इसका पूरा फोकस अपने ऊपर हो गया था। तो थोड़ा सा यार जब हमें बड़े पैल्स को पकड़ना पड़ता है तो थोड़ा सा हमें ना अपना दिमाग यहाँ पे मतलब थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। बाकी यार यहाँ पे अपना जो पैनिकिंग है इसको बुलाना पड़ेगा। भाई इसका थोड़ा सा हेल्थ कम हो गया है और मैंने यार यहाँ पे अपने चिलेट को छोड़ दिया है। भाई ये देखो यार, ये खतरनाक तरीके से फाइट कर रही है यार, लेजेंडरी पाल्स का यार बात ही कुछ और है। और यार अपने पास सेकंड, भाई भाग भाग भाग, चिलेट तू कवर दे, मैं निकल रही इधर से। भाई ये बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको मार रहा है, मैं ना ध्यान देते रहूंगी। भाई चिलेट के हेल्थ पे ही मेरा ध्यान है, जैसे ही उसका हेल्थ लो होगा मैं फटाक से यार उसको बुला करके और अपने दूसरे पाल को छोड़ने, शिट यार मर गया, बुला नहीं पाई यार मैं उसे, उसे बुलाना था, उसे अगर हम लोग वापस से बुला लेते तो चलो कोई नहीं यार, एक तो यहाँ पे मर गया, अभी हम लोग ना थोड़ा सा सेफ आ चुके हैं। और यहाँ पे अब हम लोग फेंकने वाले हैं अपने टेंजी को। चल टेंजी थोड़ा सा पहले इसको, भाई इसको मार यार पहले, ये पता नहीं क्या यार यहाँ करके अपने कोई मार रहा है। चलो कोई नहीं यार, इसको यहाँ पे इसने मार दिया है, बाकी यार ओके भाई। चल टेंजी अब जा और अपना कमाल दिखा भाई, चल जमूरे नाच के दिखा, आई मीन उसे नचवा के दिखा। भाई ये उछल करके बहुत गंदा डैमेज देता है। बाकी यार यहाँ पे इसका हेल्थ अभी थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो गया है और टेंजी पे इसका ध्यान है, जैसे टेंजी अटैक करेगा मैं इसको
वापस से बुला लूंगी। ओके, तो मैंने यार यहाँ पे अपने टेंजी को वापस से बुला लिया है और वापस से यार इसे अटैक करने को भेज दिया है। अभी फुल फोकस होकर के इस गेम को खेलना पड़ेगा। ओके चलो यार, मैंने इसके अटैक को आने से पहले वापस इसे बुला लिया और ऐसे यार हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। नहीं तो यार कहाँ इसका 23 लेवल और कहाँ यार अपने पास 10-10 लेवल के पास है। बाकी भाग 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 भाई साहब, अभी तो मैंने इसको छेड़ा भी नहीं था। बाकी चलो कोई नहीं यार, इसने अच्छा खासा मुझे डैमेज दे दिया है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली खेलूंगी। एक काम करती हूँ, मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ती हूँ। पहले यार अपना हेल्थ पूरा कर लूँ ताकि मुझे ऊपर चढ़ने में आसानी हो। बाकी यार मेरे सारे पैल्स का हेल्थ तो ठीक है, भूखे नहीं है। जब हमारा ये पूरा रहता है ना, एक सेकंड, यहाँ से चढ़ सकती हूँ क्या मैं? ओके अभी चलो यार यहाँ से चढ़ के उसको बताती हूँ उसको। भाई साहब अभी मैं नहीं ऊपर चल भाई, रुक जा। ए भाई क्या हो रही, कैसा है यार? इसको तुरंत पता चल जा रहा है कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ये देखो यार, मुझे उसका हेड दिख रहा है, वो बंदा यार ऊपर ही खड़ा है। एक सेकंड, चलो नीचे। भाई नाइटविंग मार यार इसको, हटा यहाँ से। ओके ये नाइटविंग यार इसको उड़ा करके साइड में कर दिया है और शायद अब मैं यहाँ से ऊपर चढ़ सकती हूँ। आराम से चढ़ना पड़ेगा यार, अभी नाइट विंग से वो फाइट ले रहा है। मैंने जल्दी से यहाँ से ऊपर चढ़ के और सीधा यहाँ से निकलती हूँ। और टेंजी चल तू फाइट ले और मुझे कवर दे यहाँ से निकलने में। भाई सब भाई निकलो। क्योंकि यार इसका अपने जो पैल्स है ना, वो तो यार इसका अटैक सह ले रहे हैं, पर हम लोग एक अटैक में अभी मरने वाले हैं क्योंकि अपना जो यहाँ पे हेल्थ है ना वो 50% हो रखा है। बाकी यार ये देखो क्या खतरनाक तरीके से यार आग का गोला ये छोड़ रहा है। पर कोई नहीं यार, अभी यहाँ पे अन्य भी बिल्कुल अपना जो है ना पोकेमोन यहाँ पे छोड़ दिया। और मैंने भी यार यहाँ पे अपने टॉम बैट को छोड़ दिया है। अब देखते हैं यार कि ये यहाँ पे क्या करता है। बाकी यार एक सेकेंड, बहुत ही खतरनाक तरीके से ये लोग डैमेज दे रहा है, पर ये कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है। ओके ये शायद यहाँ पे ग्लिच कर गया है। भाई साहब अपने वाले पोकेमोन तो यहाँ पे खतरनाक तरीके से इसको डैमेज दे रहे हैं और ये तो बिल्कुल यहाँ पे रुका हुआ है। चलो यार अब मार के दिखा। ओ किंग पेका भाई, चलो यार अभी ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डांस करने का मन कर रहा है। चलो ये लो भाई, अब तो मार के दिखा। क्या हो गया, डर गया क्या? भाई अपने पहल तो लगातार इसको डैमेज दिए जा रहे हैं और ये यहाँ पे यार हमें मतलब कि बिल्कुल भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। और यार इसका HP यहाँ पे लो हो गया। मैं एक काम करती हूँ, नीचे जाती हूँ और इसे ना कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। ओए भाई, ओ नहीं निकलो भाई, भाई ये मेरा ही भाई, ये भी दिमाग से खेल रहा है। नहीं, निकलो, मैं फंस गई, निकलो। अरे नहीं मर जाऊंगी मैं, भागो भाई, निकलो यार भाई। ये बंदा भी यार वेट कर रहा था कि जब हम लोग उसे कैप्चर करने आएंगे तो ये हमें एक अटैक में खत्म कर देगा। लिटरली अगर हमें उसके क्लोज है और इसने अगर एक जंप लगाया ना तो अपन लोग यहाँ पे डायरेक्ट मर जाते। पर कोई नहीं यार, ये देखो यार भाई क्या कर रहा है, निकलना यार, मुझे कैसे भी करके ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि यार यहाँ से ना अपना जो कैप्चर है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैं उसके ऊपर कोई भी पैल स्पेयर नहीं फेंक पा रही क्योंकि अपना हाथ यहाँ पे ना ऊपर चढ़ने में इंगेज है। बाकी यार ये तो यार उछल उछल के मार रहा है और यार अन्य के 2-3 पेड़ इसने यहाँ पे मार दिए। और ये देखो यार अपना नाइट विंग लड़ रहा है, पर यार मुझे सही समय पे ना अपने ये जो टॉम बैट है ना उसको वापस से खींचना पड़ेगा, नहीं तो यार ये इसको मार देगा। ए भाई क्या कर रहा है भाई, ये आके झांक रहा है, चल चला जाना यार ये मुझे ऊपर नहीं जाने दे रहा यार, क्या कर रहा है कसम से यार, ये भी मजे ले रहा है भाई। मुझे यहाँ पे लटका के रखा है, मेरी हेल्थ यहाँ पे कम हुई ना तो सीधा मैं नीचे गिरने वाली हूँ। चला जा यार, क्या है यार ये मुझे जाने नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा, ये यार बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। बाकी चलो यार अभी मैं भाई इसको अभी दिमाग से पकड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं, अब इसको ना प्रॉपर हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे। अब ना यहाँ से लेफ्ट से घूम करके मैं जाऊंगी और इसको सीधा अभी मेरे को इस पे भाई, ओह यार ये आज मुझे मार के ही दम लेगा यार इसको, क्या मैं यहाँ पे नहीं पकड़ पाऊंगी क्या भाई? ये दूसरी बार मैं कोशिश कर रही हूँ यार, नहीं यार चलो कोई नहीं, पहले मैं अपना यहाँ पे हील पूरा करती हूँ और यार एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। यार मैं ना यहाँ पे सच्ची में डीमोटिवेट हो रही हूँ। कोई नहीं यार, एक बार यहाँ से साइड से निकल के जाते हैं क्योंकि यार इसका हेल्थ बहुत कम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मार ना दे। बाकी यार अभी मैंने अपना कोई भी पोकेमोन नहीं छोड़ा है। ओके एक सेकंड यार, ये तो यार पूरा फोकस इसका मेरे पे, यार इसके बगल में अन्य कूद रही है, उसको ये बंदा नहीं मार रहा है। पता नहीं यार ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है, लग रहा है इसको मेरे से प्यार हो गया है।
चलो यार इतना प्यार भी सही नहीं है, मैं धीरे धीरे करके जाती हूँ और यहाँ पे जाकर ना सीधा बैठ जाती हूँ, क्योंकि यार अब इसने अगर आग का गोला फेंका ना तो शायद मेरे ऊपर ना आए, ये पत्थर में टकरा जाए। ये एक रिस्क लेना पड़ेगा। ओके ये यार यहाँ पे पत्थर में टकरा रहा है, मैंने अब धीरे से इसके क्लोज जाना है, मुझे अब मौके का यहाँ पे फायदा उठाना पड़ेगा। ओके फायदा, भाई ये तो खुद ही भाग गया। चलो 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 चलो, इसका हेल्थ बहुत कम है यार, अभी हम लोग को ना यहाँ पे कोई भी पोकेमोन नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर अभी हम लोगों ने कोई भी पोकेमोन यहाँ पे छोड़ा ना तो वो इसको खत्म कर देगा, और हमें इसे यहाँ पे पकड़ना है कैसे भी करके। बाकी यार इतने दूर से यार ये कैप्चर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इसको कैप्चर करने के लिए यार हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और जा करके वहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। और अन्या क्या कर रही है, भाई भाई हट जा मार देगा। यार ये लड़की भी बिल्कुल भी डर नहीं रही है। सेकंड, गई 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 भाई, मुझे पता था जाएगी, इतना क्लोज भाई, एक जंप में वो नॉक नहीं सीधा फिनिश करता है। देखो यार वहां पे उसका जो पेटी है ना चमकने लगा है। बाकी यार मैं अभी यहाँ पे अपने टॉमबैट को छोड़ती हूँ, पर यार ये ट्रिगर ही नहीं हो रहा है। भाई उनको ट्रिगर करवाने के लिए ना एकदम क्लोज में जा करके अपना जो ये पैल स्पेयर है ना, आई मीन ये जो पोकेमोन है इनको छोड़ना पड़ता है। ये देखो इतना क्लोज आने पे भी ये ट्रिगर नहीं हो रहा। बाकी यार यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज इसे और देना पड़ेगा, क्योंकि यार अपन लोग इसको पकड़ने वाले हैं पैल स्पेयर से, तो जब ये 1 HP होगा ना तभी हम लोग शायद यहाँ पे काम करेगा। और यहाँ पे अपना जो टॉमबैट ट्रिगर हो चुका है, और ये भी यार वापस आ भाई वापस आ, ज़्यादा डैमेज मत दे, क्या पता है इसको पूरा ही मार दे। मैं पिछले यार 2 घंटे से इसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहती, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ना एकदम थोड़ा थोड़ा सा डैमेज दिलवा करके उसको वापस खींचने वाली हूँ। बाकी चलो यार ये मेरे पीछे आ रहा है। ओ नहीं, भाई ये कैप्चर यार यहाँ से काम ही नहीं कर रहा है, और इसका कैप्चर रेट सिर्फ और सिर्फ 0.2% है यार। नहीं, मुझे इसको पकड़ना है। ओके ये वापस से भाग गया। चलो एक बार और क्लोज जा करके अपने इस बार नाइट विंग को छोड़ती हूँ, और शायद ये थोड़ा सा डैमेज दे। भाई बस थोड़ा सा डैमेज देना, मार के मत आना भाई, बस थोड़ा सा ताकि इसका कैप्चर रेट बढ़ सके। और यहाँ पे थोड़ा सा इसने डैमेज दिया, अब ना इसे मुझे वापस से बुलाना पड़ेगा। चल नहीं, ज़्यादा डैमेज नहीं मेरे दोस्त, भाई ये मार देगा। ओके नहीं, वापस आ भाई, मैंने इसे वापस बुला लिया। अब यार इसका फोकस मेरे ऊपर आ गया है, एक बार ना मुझे रिस्क लेकर के इसके मुंह पे जाकर के पैर स्पेयर फेंकना ही पड़ेगा। फेंका मैंने, आजा 4% आजा भाई। नहीं यार ये तो कैप्चर ही नहीं हो रहा, शिट यार ये 4% में छूट जा रहा है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेगा स्पेयर से ही कैप्चर होगा क्या। भाई जो 9 से 20 लेवल वाले होते हैं ना वो मेगा स्पेयर होते हैं, 20 के ऊपर वाले तो गीगा स्पेयर होते हैं, पर यार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैल स्पेयर है। भाई अभी मैं यहाँ पे मरने से बची हूँ, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी से यहाँ पे हटना पड़ेगा। और यार ये देखो अपनी अन्या भी आ चुकी है, पर यार अभी ना मुझे यहाँ पे ये मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। अन्या जल्दी से आओ यार, मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहती। नहीं, भाई ये देखो कितना बुरी तरीके से मेरे पीछे पड़ा, यार पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मैं यार देख रहा हूँ यार, 2-3% 4% से इसका कैप्चर रेट तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कोई नहीं यार, भाई आ जा प्लीज आ जा। अबे यार ये छूट जा रहा है यार, हमें कैसे भी करके इसे पकड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना एक बार इसको पूछ पे अटैक करूँ, क्योंकि मुंह से यार ये पैल्सपेयर को फेंक ही दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे ऐसे फेंक रही ना पैल्सपेयर, एक तो कैप्चर रेट कम है, ऊपर से यार वो वापस ही आ जा रहा है। बाकी यार उधर अन्या बोल रही है, एक सेकेंड यार ये देखो अन्या के साथ उसका फाइट स्टार्ट हो गया, वो उस पर ध्यान है। एक काम करती हूँ, अभी सही मौका है, मैं ना क्लोज जा करके इसको एक बार पैल्सपेयर फेंकने की कोशिश करती हूँ। भाई सो गया, ओ नहीं मारा मैंने 4%। भाई आ जा 27। ओ भाई साहब, मैंने यार यहाँ पे पैर स्पेयर से किंग पैका को आकर पकड़ लिया। भाई मैं क्या बोलूं, मजा आ गया यार। इसने मेरे से बहुत मेहनत करवाई, लिटरली बहुत ज्यादा, पर यार यहाँ पे हमने 23 लेवल के किंग पैका को सिर्फ और सिर्फ पैल स्पेयर से पकड़ा है। भाई मतलब यार कि कोई पोकेमोन को अगर आप पीछे से अटैक करोगे ना तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, आई मीन पकड़ सकते हो आप, अगर मेरे जितना स्मार्ट हुए तो पकड़ सकते हो। बाकी चलो कोई नहीं यार, हमारे पास यार अब 23 लेवल का किंग फेंका है।
बाकी चलो गाइस यार आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड में हम लोग पकड़ने वाले हैं मेमोरेस्ट को, और भी जितने बड़े बड़े पोकेमोन होंगे उनको, मतलब यार उनपे अपना हाथ साफ करने वाले हैं। बाकी गाइस यार अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी चलो यार मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।